गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के पोस्ट और मिड क्रेडिट सीन में क्या हुआ, आओ चलो जानते हैं। पहले बात कर लेते हैं मिड क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें कि हमें ये दिखाया जाता है कि स्टार लॉर्ड, नेबुला, मेंटिस और ड्रैक्स इस टीम को छोड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर तो पीटर क्विल भी रॉकेट रकून को नया लीडर बना देता है गैलेक्सी की टीम को। पीटर और मेंटिस तो चले जाते हैं अपने सफर पर, पीटर जाता है अपने ग्रैंडपा के पास और मेंटिस अपने पीस ऑफ माइंड को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ नेबुला और ड्रैक्स भी तय करते हैं कि जो बच्चे हाई एवोल्यूशनरी के पास से मिले हैं उनकी टेक केयर करेंगे, इसीलिए अपना रॉकेट रकून नई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम का फॉर्मेशन करता है और निकल पड़ता है अपने न्यू सफर पर। अब बारी आती है हमारे पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें कि हमें ये दिखाया जाता है कि स्टार लॉर्ड यानी कि पीटर क्विल अपने ग्रैंडपा के साथ खाना खा रहा होता है। और नोटिस करने वाली ये बात है, जो ग्रैंडपा के हाथ में पेपर है उसमें है ना केविन, जो कि है ना हॉलीडे स्पेशल में देखने के लिए मिले थे, उनका रेफरेंस भी दिया गया है। और इसके साथ ही हमें एंड में दिखाया जाता है द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल बी रिटर्न। अब इसको लेजेंड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसी की वजह से एंड गेम जैसी मूवी हमें देखने के लिए मिली है। इसीलिए स्टार लॉर्ड को नल्ला, बेरोजगार वगैरह कुछ मत कहो, मे भी क्या पता कैंग डायनेस्टी के इवेंट्स भी यही करा दे।